हेलो गाइस, तो आज है मेरा 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का 21 डे 21वां दिन मेरा वेट लॉस चैलेंज का। तो बहुत खुशी सी भी हो रही है और पता नहीं क्या रिजल्ट निकलेगा, वो भी थोड़ा सा वो हो रहा है। तो रिजल्ट के लिए हम कल करेंगे रिजल्ट, क्योंकि आज तो चैलेंज पूरा करना पड़ेगा ना, आज तो पूरे दिन का। तो अभी तो सुबह हुई है, तो आज के दिन का चैलेंज हम पूरा करते हैं और कल सुबह मैं पूरा रिजल्ट बताऊंगी और उसकी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो अभी गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। तो मैं आधा ग्लास तो पी चुकी हूँ, आधा ग्लास और रह गया, वो भी पी लेती हूँ। और नाश्ते में क्या है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये गर्म गर्म पानी पीती हूँ। आज सारा मैंने काम कर लिया फटाफट जल्दी से, क्योंकि कल जल्दी सो गई थी तो आज जल्दी उठ गई और सारा मेरा काम भी हो गया। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो मेरा जो मैंने शॉपिंग की है ना, मार्केट जाके, इंदर लोक ग्रीन मार्केट वगैरह यहाँ जाके, उसकी आज बिल्टी भी करवानी है और मेरा माल जाएगा अमेरिका। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो पूरा बोरा भरा हुआ रखा है, काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारे लहंगा ड्रेसेस है। तो आज मेरे को ये माल भी निकलवाना है कुरियर के लिए। तो चलिए मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर नाश्ते में आपसे मिलती हूँ, फिर बात करते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ अपनी वही ऐतिहासिक खिड़की के पास। आज तो मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ और नाश्ते में भी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आज मतलब जब नाश्ता आया ना उसके अंदर मैंने ये चीज देखी, जब से मेरे मुंह में पानी सा आ रहा, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना इस तरह की चीज खाए हुए। तो बच्चे भी यही खा रहे थे तो आज मैंने बोला मैं भी यही खाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज है। तो आज मेरे नाश्ते में है एक कप चाय और बन मस्का। ये बन मस्का है, इसमें थोड़ा सा बटर लगाया, बहुत टाइम बाद बटर खा रही हूँ, तो थोड़ा सा बटर है और इसको मैंने तवे पे सेक लिया है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। बच्चों को भी यही खाना था बन मस्का, तो मैंने सोचा मैं भी यही खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था एकदम। तो बनाते बच्चों के लिए जब तैयार कर रही थी ना, तो मेरा भी मन करा, पहले तो मैंने सोचा पोहा बना लेती हूँ, फिर मैंने बोला छोड़ यार यही खा लेती हूँ सही रहेगा। ठीक है यार, एक आध दिन तो चलता है, वैसे भी डाइट के अंदर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने खाया है, जैसे मैंने केक खाया मैंने, और सब आपको बताया है मैंने क्या क्या खाया है, तो ये भी थोड़ा सा खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम वेट कम होगा, लेकिन होगा तो जरूर, इतना तो मुझे पता है होगा तो जरूर, क्योंकि मेरे को है ना, सही बताऊं तो मैंने जो मेरे सूट्स जो मेरे को टाइट हो गए थे ना, वो मेरे को लूज हो गए, मतलब इतने हो गए कि मेरे को अच्छे से आ रहे हैं। पहले एक कुर्ते के अंदर यहाँ पे बटन होते हैं, तो वो बटन थोड़ा सा ऐसे खिंचता था, अभी क्या है आराम से कंफर्टेबली कुर्ता पहन सकती हूँ मैं, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मैं अब चाहे वजन कम हो ना हो, इंचेस मेरे कम हो गए ना, ये बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए देखो मैंने डाइट भी की है, साथ में बैलेंस रखा है सब चीज का। अगर मैंने कुछ ऐसा खाया है तो मैंने उस चीज को बैलेंस करने के लिए या लंच स्किप कराया या डिनर स्किप कराया, स्किप मतलब कि उसमें कुछ और चीज ले लिए जो हल्की रहे और क्वांटिटी कम, तो इस तरीके से मैंने बैलेंस किया है। अगर आप भी इसी चीज को अपनी लाइफ में लेते हो, आप अपनी लाइफ में जोड़ते हो, ऐसे बैलेंस करते हो हर चीज को, तो आपका मतलब वेट तो कम होगा ही होगा, वो तो कोई है ही नहीं, इंचीज भी नहीं बढ़ेंगे। अब मेरे को तो प्रॉब्लम थी, मेरे को L4 L5 है, तो ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं योगा कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे को बहुत ज्यादा हालत मेरी खराब थी। तो फिर भी अब जब मेरा 3 महीने ट्रीटमेंट चला, साल 1.5 साल मैंने रेस्ट किया खूब अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने अब दोबारा से शुरू करा है ना, वेट कम करना, खाना क्वांटिटी उसको थोड़ी करना, हेल्दी खाना, तो जब से मेरे को थोड़ा ठीक भी लगने लगा है। और कल तो मेरी फ्रेंड भी बता रही थी कि हाँ तेरा फेस थोड़ा सा ग्लो भी करने लगा है, मतलब पहले बहुत डल हो गया था, क्योंकि बहुत कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कोई पता नहीं है, टेंशन दिमाग में इतनी, यार मेरा क्या होगा, मैं कभी चल भी पाऊंगी नहीं, ऐसे कभी कभी तो रोना भी आ जाता था कि मैं कैसे करूंगी सब चीज। तो मेरे को एक वो होता था यार, मैं इतना चलती हूँ, मैं इतना करती हूँ, और भगवान ने मेरे साथ ये क्या हुआ, तो वो उस चीज को लेके मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, लेकिन ठीक है, मैंने अपने आप को ही समझाया, और इसके पीछे मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा मुझे इस चीज के अंदर, कि जो करना है करना है, बस सीधी सी बात है। मेरे से नहीं चला जाता था,
जाती थी चलती थी, सुबह पार्क जाती थी। बोला उन्होंने खुद ही कि पार्क जा, थोड़ा सा चल, हाथ पैर चलाएगी जब भी चलेंगे। मैं बहुत ज्यादा मतलब एक ट्रॉमा से गुजरी हूँ, मुझे बताया। मैं तीन तीन 4 महीने तो जैसे बेड पे बिल्कुल, और उसके बाद में साल भर मेरे को ऐसा रहा। लेकिन अभी टचवुड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब बिल्कुल तो नहीं बोल सकती, लेकिन ठीक है। 90% मेरा एकदम बढ़िया है और बाकी सब कुछ एकदम सही से हो रहा है। अभी आपके सामने मैं योगा भी कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग भी कर रही हूँ, और स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी, अब वो भी कर रही हूँ। तो सब चीज़ मेरी बहुत अच्छे से हो रही है, तो मेरे को एक खुशी भी होती है कि हाँ भाई ठीक है, हाथ पैर मेरे सही चल रहे हैं, अभी आगे चल सकते हैं। जितनी भगवान ने जिंदगी लिखी है यार, उतना तो हम कर सकते हैं। और मैं बोल रही हूँ बस चलते फिरते चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि ऐसे नहीं चाहती कि मैं बेड पे रहूं, सब लोग मेरा कर रहे हैं, नहीं। चलते फिरते भगवान किसी वक्त बुला ले, कोई टेंशन नहीं, बस यही था मेरा। लेकिन अभी टचवुड ठीक है, अब तो वेट भी कम हो गया है, हो गया होगा लग रहा है मुझे, और इंचीज भी मेरे कम हो गए हैं, तो ड्रेस वगैरह पहनो तो अच्छी लगेगी, तो बढ़िया है। कल देखते हैं कितना वेट हमारा कम हुआ है। अरे यार 1 किलो भी होगा ना, मैं बहुत खुश होऊंगी कि मेरा 1 किलो वेट कम हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलो आज आज का दिन है, कल करती हूँ अपना वेट चेक और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना कम हुआ है। लेकिन इंचेस तो गए हैं, वो तो मेरे को खुद को पता चल रहा है कि मेरे इंचेस गए हैं। 21 दिन के अंदर मैंने अपने इंचेस तो कम करे ही करे हैं। वेट का तो कल बताऊंगी, लेकिन इंचेस का मुझे कपड़ों से पता चल चुका है, कपड़े मेरे अच्छे से आ गए हैं, मुझे जो पहले थोड़े से टाइट होते थे अभी अच्छे से आते हैं। तो चलो मेरी नाश्ता हो रहा है ठंडा, मैं नाश्ता करती हूँ, बड़े मतलब चाव से मैंने बनाया है बन मस्का, तो वो खाती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे लंच में, तो फिर लंच की डाइट मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ये मैं खा रही हूँ। तो चलिए मैं आपसे लंच में मिलती हूँ, और लंच में वही सिंपल सोबर सा रखेंगे, तो क्या क्या खाती हूँ वो भी आपको दिखा दूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो हो गया है लंच का टाइम। तो आज मेरे लंच में है 1 कटोरी दाल और बॉइल्ड राइस। बॉयल्ड राइस इसीलिए रखे हैं मैंने क्योंकि दाल के साथ मैं बॉयल्ड राइस ही खाती हूँ, और इससे मेरी जो सुबह की डाइट खराब हुई वो बैलेंस हो जाएगी। तो गाइज हो गया है शाम की चाय का टाइम, तो बज गए हैं 6:30। आज टाइम ज़्यादा हो गया, 6:30 हो गए, क्योंकि काम में इतने बिजी हो गए, फिर थोड़ी सी आंख लग गई काम करते करते, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। तो अब 6:30 हो गए, और 6:30 बजे मैं अपनी बना लाई हूँ चाय। में मैंने वही लिए एक स्पेशल चाय मलाई मार के, और साथ में 2 ओट बिस्किट। आज शायद आखिरी दिन है 21 डेज वेट लॉस चैलेंज का, तो सब कुछ स्पेशल हो रहा है। सुबह बन मस्का, अभी चाय, ऊपर चला वेट भी एकदम अप हो गया, कम करने से रहा और ज्यादा हो गया। तो मैं बस ऐसे मन कर रहा था, क्योंकि अभी दूध बॉईल करा था मैंने, तो मैंने सोचा चलो ये डाल दी ऊपर, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे इस तरह की चाय पीने, थोड़ी ऐसे डेकोरेटिव सी चाय हो जाती है। तो चलो कोई नहीं, मैं अपनी चाय पीती हूँ, और देखो आज शायद मैं जिम जाऊँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, शाम तक का सारी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेलो गाइज, तो अभी बज रहे हैं 7, रात के 7, तो मैं जा रही हूँ ऊपर एक्सरसाइज करने जिम में। तो आपको ये अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, तो अंधेरा नहीं हुआ है अभी इतना भी, क्योंकि हमारे घर का बिल बहुत ज्यादा आता है ना एसी चला चला के, इसलिए हम लाइटें है ना कम रखते हैं, मतलब कम जला के रखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर एक्सरसाइज करने, क्योंकि 3 दिन हो गए एक्सरसाइज के नाम पे हम 0 हो गए हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो अब देखते हैं, थोड़ी सी रनिंग करती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करती हूँ, और थोड़ा सा हो सका तो वेट लिफ्टिंग भी कर लूंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर जिम में। गाइस मैं आ गई हूँ जिम में, और मेरा चल रहा है ट्रेडमिल, और बिल्कुल धीरे धीरे, देखो स्पीड देख लो इसकी, लानत वाली स्पीड कर रखी है मैंने, क्योंकि मैं तेज करूंगी ना तो मेरे हाथ पैर नाक गाल वाल सब छिल सकता है, इसलिए मैंने स्पीड धीरे कर रखी कि मैं आपसे बात कर सकूँ और थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर सकूँ। अभी आप अभी फोन रख के फिर मैं थोड़ा तेज से चलाऊंगी इसको, नहीं तो ऐसे मैं गिर जाऊंगी, ठीक है ना। चलो मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज, और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस शाम के 7 बजे हैं, तो अब हम चले गए जिम। जिम जाके सबसे पहले मैंने की रनिंग, पहले मैं धीरे धीरे कर रही थी, फिर मैंने थोड़ी सी तेज करी, फिर उसके बाद मैं करने लग गई
ट्राइसेप की एक्सरसाइज, ट्राइसेप की एक्सरसाइज करी, मेरे बेटे ने मुझे कराई बढ़िया से एकदम। फिर उसके बाद मैंने करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा योगा करा, बाकी बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग और योगा मैंने कर ली। तो चलिए अब चलती हूँ आगे, देखिए। तो गाइस हो गई हमारी एक्सरसाइज, तो सारी एक्सरसाइज हो गई है, पसीने पसीने हो गए। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी टाइम लैप में, जो कि मैंने थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह की है, एक्सरसाइज योगा किया है जो भी, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी, और बाकी आप रील पे देख सकते हो, रील में डाल दूंगी एक्सरसाइज की। और बस चलिए अब नीचे चलती हूँ, और डिनर तो रेडी कर ही दिया था मैंने, तो अब डिनर करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद भूख लग जाती है मुझे। तो अब करते हैं डिनर, और चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस हो गया है डिनर का टाइम, तो मैं अपना डिनर भी बना रही हूँ। डिनर में आज मैंने बनाया है, दिखा देती हूँ आपको। तो आज डिनर में है मेरे मटर पनीर की सब्जी, सैलेड, थोड़े से राइस, बिल्कुल 2 चम्मच के करीब, ये 2 टीस्पून राइस है, और एक छोटू सी रोटी है जो कि मेथी वाली रोटी है, गेहूं के आटे में मेथी काट के उसको गूंदा हुआ है, उसकी रोटी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये है मेरा आज का डिनर। बार बार मुंह से लंच लंच निकलता है, इतना पता नहीं कितना लंच करती हूँ मैं। तो डिनर है ये मेरा, तो अभी मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ। तो ये हमारा 21 डेज का लास्ट डिनर है, फिर उसके बाद हम अपना जो हमारा डेली रूटीन होगा मेरा, वो मैं आपको दिखा दूंगी। डेली रूटीन भी वेट लॉस चैलेंज जैसा ही है, क्योंकि इसी तरीके का खाना मैं खाऊंगी, या नहीं जो भी खाऊंगी एक्स्ट्रा वो आपको दिखा दूंगी। तो उस बीच में भी मैं देखूंगी मेरा कितना वेट बढ़ा, मैंने अगर थोड़ा बाहर का स्नैक्स वगैरह कुछ लिया है तो मैं उसमें भी देखूंगी मेरा कितना वेट बढ़ा, और अभी कितना है वो आपको कल पता चल जाएगा। कल मेरा रिजल्ट का डे है, तो वो दिन आप जरूर देखना कल के दिन को, क्योंकि कल है रिजल्ट डे, और कल पता चलेगा कितना वेट मैंने लूज किया है अभी तक 21 दिन के अंदर। तो चलिए मैं अपना डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे अब कल मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।